हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी। और इस वीडियो के अंदर हम मेवाड़ के शासकों के बारे में आगे जानेंगे। इससे लास्ट वीडियो के अंदर हमने मेवाड़ के जो स्थापना की थी, गुहिल वंश से हमें मेवाड़ के शासन की जानकारी मिलती है। तो जिसकी स्थापना गुहिलादित्य ने की थी, हमने उनके इतिहास के बारे में जाना, उनके कुछ वंशजों के बारे में जाना, और अब हम उन्हीं के आगे के जो शासक हुए हैं मेवाड़ के, उनके बारे में जानेंगे। तो जो मेवाड़ के शासक हुए रण सिंह, जिनको कर्ण सिंह भी बोला जाता था, ये मेवाड़ के शासक हुए 1158 ईस्वी में। और इनके दो पुत्र हुए, शेम सिंह और राहप। शेम सिंह ने रावल शाखा की स्थापना की और राहप ने राणा शाखा की स्थापना की। इन्होंने सिसोदा गांव को में जाकर अपना वंश आगे बढ़ाया। तो इन्होंने जो राणा शाखा की स्थापना की, वो सिसोदा गांव से की। तो इसी, और इन्होंने सिसोदा नगर गांव बसाया था, इसीलिए ये लोग आगे चलकर सिसोदिया कहलाए। और सेम सिंह के दो पुत्र हुए थे, सामंत सिंह और कुमार सिंह। सामंत सिंह बड़े थे और कुमार सिंह छोटे थे। सामंत सिंह के ऊपर नाडोल के चौहान राजा कीर्तिपाल ने 1172 ईस्वी में इन पर आक्रमण किया और इनसे मेवाड़ की गद्दी छीन ली। तब इनके जो छोटे भाई थे कुमार सिंह, इन्होंने सामंत सिंह युद्ध में हार गए और ये वागड़ के में जाकर इन्होंने अपना शासन संभाल लिया। ये वागड़ में चले गए। और जो इनके छोटे भाई थे कुमार सिंह, इन्होंने 1179 के अंदर इन्होंने कीर्तिपाल के ऊपर आक्रमण किया और इनसे अपना राज्य वापस छीन लिया और नागदा में अपनी राजधानी बनाकर ये रहने लगे। इसके बाद कुमार सिंह के पुत्र हुए थे जेत्र सिंह, ये बड़े ही प्रतापी राजा हुए। 1213 से लेकर 53 तक इनका शासनकाल था। और इनके समय में दिल्ली के सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमस ने नागदा पर आक्रमण किया था, जिसके कारण नागदा को काफ़ी क्षति उठानी पड़ी थी, भारी क्षति इससे हुई थी उनको। और तब जेत्र सिंह ने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ ले गए और चित्तौड़ को अपनी राजधानी उन्होंने बनाया, जब दिल्ली के सुल्तान अल्तमस ने इनके ऊपर आक्रमण किया। अब जेत्र सिंह अपनी राजधानी को चित्तौड़ ले गए। अब जेत्र सिंह के वंशज हुए थे आगे समर सिंह, और समर सिंह के दो पुत्र थे, एक थे रतन सिंह और दूसरे थे कुंभकर्ण। कुंभकर्ण नेपाल चले गए और वहीं पर उन्होंने अपने राजवंश की स्थापना की। लेकिन जो रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह, ये मेवाड़ के शासक बने। और इन्हीं के समय में चित्तौड़ का प्रथम शाखा हुआ, जो कि जिसमें रानी पद्मावती का जौहर प्रसिद्ध है। तो अब हम अपनी अगली वीडियो के अंदर हम इसके रावल रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे और उस चित्तौड़ के प्रथम शाखे के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो चलिए, आज का ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और आपको अगर ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। और आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।